बेलतोरड़ी पुलिस ने अमरावती से ऑटो चुरा कर नागपुर चला रहे एक ऑटो चोर गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दीपक अरुण राव ताड़े रुक्मिणी नगर अमरावती निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी दीपक ताड़े ने कोतवाली थाना क्षेत्र अमरावती से 3 सीटर ऑटो चुराया था और नागपुर में चला रहा था। 13 जून को बेलतोरड़ी पुलिस गश्त के दौरान वर्धा रोड पर चीज भवन के पास उसका ऑटो रुका और दस्तावेज मांगी तो वह टाल मटोल जवाब देने लगा। दीपक को थाने ले जाकर पूछताछ करने पर उसने ऑटो यशोधरा नगर अमरावती इलाके से चुराने की बात स्वीकार की। ऑटो चोरी की शिकायत अमरावती के कोतवाली थाने में दर्ज है। बेलतोरड़ी पुलिस ने रविवार को आरोपी दीपक ताड़े को ऑटो सहित अमरावती पुलिस के हवाले कर दिया। 12 तारखेला रात्री चिंच भवनच्या भागात एक नंबर प्लेट नसलेला ऑटो एक इसम घेऊन जाताना मिळाला। आम्हाला त्या माणसाला विचारलं तर त्याचं नाव दीपक ताळे होतं आणि तो अमरावतीचा राहणारा होता। त्या ऑटोबद्दल कागदपत्र त्याच्याकडे नव्हते म्हणून त्याला विचारपूस केली असतं। त्यानं अमरावतीला तो ऑटो चोरल्याचं कबूल केलं आणि अमरावतीला मग आम्ही विचारपूस केली तर तिथं पोलीस स्टेशन कोतवाली अमरावती येथे गुन्हा दाखल होता ऑटो चोरीचा। त्याच्यामध्ये त्याला आम्ही अटक करून अमरावती पोलिसांच्या ताब्यात केली। आधीच्या तिथे नाही असलं तरी अजून त्याची चौकशी चालू आहे। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अक्षय शिंदे इनके मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई। बेलतरोड़ी के वरिष्ठ थानेदार विजय आकोट के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विकास मनपिया, हवालदार रणधीर दीक्षित, नायब सिपाही गोपाल देशमुख व अन्य ने कार्यवाही में सहयोग किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।